अच्छा अल्लाह, मेरी माँ खाना बना के आई है गाइस, तो दिखाना मम्मी सूट पूरा। हाय अल्लाह, कैसा लग रहा मम्मी? ऐसा लग रहा नहा लिया, ऊपर से दुपट्टा लेना पड़ा, दमाद आ गया। हाय अल्लाह जोनू, ये देखो मेरा छोना, ये सोने की ट्राई कर रहा है। हाँ। अब ये चिड़चिड़ाएगा रोने के लिए, अब इसको नींद आ रही है। इसको देखो लिप्स कितने फट रहे हैं। सो जाओ, सो जाओ, लेकर के घूमना थोड़ा सा, सो जाए। तो मम्मी पूरी रात जग करके आपको कैसा लग रहा है? अब अरफान सो रहा है, अब आपको कैसा लग रहा है? मेरा टेंशन नहीं है बेटा, वो पूरी रात जगा है, अब वो सुकून से सोया है, मैं तो कभी भी सो लूंगी। चलो ठीक है, अब सोने दो उसको। हाँ। मतलब मैं तीन रात से जगी हूँ और आप एक रात और जगी, तो अब कैसा फील हो रहा है मम्मी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी आतिफा, तो स्वागत है आपका मिस्टर मिसी शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने हमेशा कहा, हमारे चैनल पर मिलेगा नया नया नया, तो नया देखना तो क्या करना, हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और ढेर सारा वाला कमेंट, और जो अभी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे, हमें आपके मिस्टर मिसी शेख खान। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल मिस्टर खान जो है घर गए थे, यानी ससुराल, तो मुझे अम्मी के घर हमेशा छोड़ के जाते हैं, क्योंकि मुझसे ना अकेले रहा नहीं जाता। तो आपने देखा भी होगा वीडियो में, जब भी अम्मी किचन से आती तो नहाती है एकदम पूरा पसीने से, तो उनको भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, और नीचे किचन है ही इतना नीचे, जिसकी वजह से ना जितना एग्जॉस्ट भी लगा दोगे ना तो भी क्या होता है ना, मतलब गर्मी बहुत रहती है नीचे के साइड में, और छत पे हवा नहीं चलती, क्योंकि जैसे हमारा छत है वो नीचे और अगल बगल वाले घर ऊपर ऊपर है, तो उसके वजह से उसमें भी हवा नहीं आती है। तो जैसे भी है अपना जो भी है, मम्मी बाहर बैठी हुई थी तो मम्मी बता रही थी कि एक तो मैंने मतलब वहाँ पर दुपट्टा रख करके खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, और उतने में जो है बुआ के जो है दमाद आ गए, तो उनकी दमाद आ गए, तो जिसकी वजह से मुझे दुपट्टा लेना पड़ा। तो मैं इस तरीके से मम्मी का, जब भी मम्मी के घर पर रहती हूँ तभी थोड़ा, वैसे गाइस मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल काम नहीं करवा पाती अम्मी का, अब पता नहीं, अब मुझसे हो ही नहीं पाता, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा वेट बढ़ रहा है अभी, मुझे बहुत अपने ऊपर ध्यान देना है, और इंशाल्लाह मैं अब ध्यान दूँगी, और दे भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा, पर इतना नहीं दे पा रही, पर अब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है मेरा वेट भी बढ़ रहा है, मुझसे काम होता नहीं, और यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है अपनी अम्मी को देख के, कि वो बेचारी अकेले करती है, तो थोड़ा बहुत घर की सफाई कर लेती। तो गाइस ये जो जहाँ पे मैं चल रही हूँ ना टाइल के इधर साइड में ना, ये जो इसके जो सीमेंट के ऊपर जो लेप किया है, सीमेंट रोडी पत्थर इसके अंदर डाल के, तो मैंने और मेरी बुआ के लड़के ने मिल के किया था, ये बिल्कुल ना खुदरा सा हुआ था ये, तो इसी में गड्ढा सा था थोड़ा सा, ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक गड्ढा था, तो फिर हम लोगों ने इसमें रोडी और बदरपुर सीमेंट मिला करके पहले इसमें अच्छे से भराव किया, इधर सीमेंट में जहाँ पे झाड़ू लगा के कचड़ा जमा करी हूँ, भराव करने के बाद जा करके फिर हम लोगों ने इसमें सीमेंट वमेंट का सारा घोल अच्छे से तो फिर हम लोगों ने भराव करने के बाद फिर हम ही लोगों ने उसको तैयार किया था, तो उस टाइम पे जब तैयार किया था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब जो है हम लोगों को तो इतना परफेक्ट वाला करना नहीं आता, तो कहीं कहीं गड्ढे हो गए, कहीं कहीं बहुत सही है, तो ये बाहर का झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, मम्मी जाता तो मम्मी लगाती, और सबसे ज़्यादा जो करती है, क्यों झूठ बोलूँ, बाहर का बुआ या बुआ के बच्चे लगा देते, क्योंकि बुआ की जो नाती बोलते ना, हाँ नाती जो है वो बाहर खेलती कूदती रहती है साइमीन, तो उसके लिए हमें झाड़ू लगा देते, क्योंकि वो कभी नंगे पैर, कभी ज़मीन पे बढ़ जाएगी, कभी कुछ करेगी, और कभी हमारे यहाँ पे गाय आते तो वो पॉटी कर जाते हैं, कभी बिल्ली आती है तो वो पॉटी कर जाती है, बट आज अल्लाह का शुक्र है कुछ भी पॉटी पाटा है ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने सोचा लाओ फटाफट झाड़ू मार लेती हूँ, फिर सब खेलेंगे। और अरफान तो भैया मुझे तीन रात से जगा रखा है उनने, ना वो खुद सो रहा है ना मुझे सो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा, अब सो रहा है ना, तीन रात से तो सोया नहीं ना, सोने दिया। तो इस तरीके से मैं थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प करवा देती हूँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा काम चोर हूँ, मैं नहीं करवाती, अब मम्मी बेचारी खुद ही कर लेती है, तो मैं पोछा अच्छा लगा रही थी तो मम्मी ने ही सारी ब्लॉगिंग वगैरह, आज तो आप हैरान हो जाओगे, जो मम्मी ने खाना बनाया वो खुद से, मैंने बस थोड़ी सी वीडियो शूट वगैरह की थी, बाकी मम्मी ने खुद से अपना कैमरा पकड़ के, क्योंकि मैं अरफान को सुलाने के लिए ऊपर आ गई थी, तो जिसके वजह से जब मम्मी ही नीचे किचन में गई थी तो मेरा फ़ोन लेके गई, कहीं ला थोड़ा बहुत रह गया तो वो रह गया, वो कर दे तो, नहीं तो आधा अधूरा रह जाएगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो आपने सही बोली, तो मम्मी ने बस वही उनने किया। तो आज आप मुझे बताना कमेंट पे कि मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से ब्लॉगिंग किन्ने की, मेरी मेरी माँ ने की या मैंने की, ज़रूर बताना।
तो इस तरीके से पोछा ओछा लगाती रहती हूँ। और आज हमारे घर में आ रहे हैं चाचा, बहुत टाइम से पहले, जैसे मेरी मम्मी जब दिल्ली आई थी, मेरे पापा मेरी मम्मी, तब से रिश्ता है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो मिलने आएंगे, तो फिर मम्मी बोली कि अब चलो, जब दामाद भी नहीं है तुम भी यहीं हो, तो थोड़ा बहुत घर की सफाई करा दो। तो मैं तो हूँ काम चोर, मेरा तो नींद के मारे हालत ख़राब, 2-3 दिन से सोई नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी माँ पे थोड़ी सी रहम तो खा लूँ। मम्मी लगाती खड़ा पोछा, तो उससे क्या होता है थोड़ी बहुत सफाई हो जाती है, थोड़ी थोड़ी नहीं हो पाती। और मैं जब भी आती हूँ तो मैं ज़्यादा घर गंदा कर देती हूँ, इधर जाती उधर जाती हूँ, तो चलते चलते चप्पलों से, और मेरे अंदर आदत एक बहुत ख़राब है कि मुझसे चप्पल उतरती नहीं है, चप्पल उतार के ही मैं मतलब कुछ कर नहीं पाती, और चप्पल पहन तो बहुत कुछ कर लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से जो मैं पूरा पोछा ओछा लगा करके करूँगी, और मिस्टर खान करीबन आ जाएंगे, 2 या 2:30 बजे करीब कुछ ऐसे आएंगे, या पता नहीं 1:30 बजे करीब कुछ ऐसे आएंगे, नहीं नहीं 2:30 बजे आए थे। तो मिस्टर खान भी आ जाएंगे, तो मिस्टर खान मैं 2 झपकी ले लेंगे आधे आधे घंटे के लिए। मिस्टर खान 1 घंटे की, मैंने आधे घंटे की झपकी ले ली, नहीं मैंने भी 1 घंटे की ली ना मम्मी, हम लोग दोनों ने 1 घंटे की ली। हाँ तो मम्मी बताओ, मम्मी एक रात पूरी जागी, मम्मी तो सोई नहीं, पर मैंने तो भैया 3 रात की 1 घंटे में थोड़ी झपकी लेके एकदम मज़ा आ गया। तो यहाँ पे जो अपने वाला घर दिखा ना, तो मैंने आप लोगों को कई बार वीडियो में दिखाया था कि अभी तो बहुत मस्त लग रहा है माशाल्लाह से, जब बारिश आती है मैं क्या बताऊँ आपको, बारिश आने के बाद, सॉरी गाइस आपको फ़ोन का आवाज़ आ रहा होगा, मेरी सिस्टर कॉल कर रही है और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और एक फ्लोर पे ही बोल दूँ तो एक फॉर्म में, सॉरी एक फ्लोर नहीं एक फॉर्म में बोल देती हूँ तो सही से सब कुछ हो जाता है, और थोड़ा रुकता है तो फिर रुक ही जाता है। अब वो गुस्से में मम्मी बोलेगी, मम्मी वीडियो मेरा फ़ोन क्यों काट रही थी, मैं बोलूँगी अरे बहन मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मेरी बहन बोलेगी अरे कोई नहीं सॉरी बहन, वही मुझे उल्टा सॉरी बोल देगी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो गाइस मैं एक बात बताती हूँ कि कल की वीडियो हमारी देखी, जिनने भी देखी, मेरे इतने प्यारे प्यारे, मेरे बहुत अच्छे, मैं सब्सक्राइबर तो बिल्कुल ही बोलूँगी, वो मेरी बिल्कुल फैमिली के बराबर ही है। तो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों ने मेरे को मतलब पैसों की मदद करी ईद मनाने की, तो क्योंकि मैंने कल कहा था कि ईद इस बार सच बात जो सच है, देखो रमज़ान का पाक महीना, झूठ नहीं बोलूँगी, तो ईद मनाने के लिए थोड़ा बहुत सोच रही थी कैसे क्या होगा, कुछ हो पाएगा कि नहीं। तो वही जो दिल की बात निकली, तो उन कहते ना अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं, अल्लाह ने अपने फरिश्ते भेजे तो उन्होंने हमें मदद की, और मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने बहुत पैसे कहा कि अब आप अपनी ईद मनाना, तो मुझे इतना खुशी हुई कि अल्लाह कि है सच में है, मुझे पता है कि अल्लाह अपने बंदों को थोड़ी तकलीफ़ देता है फिर बाद में खुशी खुशी देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बहुत खुश थी। तो मैं जैसे ये बता रही थी कि यहाँ पर जो है ना ये दीवार से इतना पानी निकलता है हद से ज़्यादा, तो मैं आज सोची थी दरवाजे की सीढ़ी पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि आपने अधिकतर हमारी वीडियो में देखा होगा कि मैं मम्मी बुआ वगैरह सब इसी जगह पे बैठ जाते हैं हम लोग सीढ़ी पे, तो ये सीढ़ी बनाई थी। पहले हम पर सीढ़ी भी नहीं थी, पहले एक अजीब सा था, उस पर चढ़ के उचक के जाना पड़ता था, क्योंकि हमारी गली में ना एक नाली वाला सिस्टम होता है, वो नाली बनी नहीं थी, वो नाली बनने के बाद ही ये सीढ़ी उसके ऊपर से निकलती, तो उसके लिए हमें प्रॉपर हमें 1-1.5 महीना नहीं 1-1.5 महीने कुछ ज़्यादा ही, जब तक आपको तो पता, जो संगम घर में रहते होंगे उनको पता होगा कि नालियाँ सरकार कितनी लेट बनाती है, तो तब तक हम लोग क्या करते थे, एक पत्थर रख के उचक उचक के चढ़ते थे। तो मैं तो बिल्कुल आना छोड़ देती थी, जब अरफान को चढ़ना पेट में था तो चढ़ना उतरना मेरे पे बहुत भारी पड़ता था, फिर मम्मी कहती थी आया कर बेटा क्योंकि जितना चलोगे उतना अच्छा होगा और डिलीवरी में तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। अब अरफान के शायद से होने के बाद ये सीढ़ी बनी है, हाँ अरफान के होने के बाद ये सीढ़ी बनी है, तो अच्छा लगता है इसमें बैठने में और बाहर के नज़ारे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, तो पहले हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं बैठते थे, बिल्कुल भी नहीं, शादी से पहले तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बैठी बाहर, बट अब मैं बैठने लग गई हूँ, तो वो भी अरफान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे की वजह से मैं थोड़ा सा बाहर की हवा लेने लगी। तो आप देख सकते हो कि मम्मी किचन में थे, मैंने बोला मम्मी को मम्मी मैंने ना बहुत दिन हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे अल्लाह के भेजे फरिश्ते ने हमारी मदद की, और उनने भी एक बात और बोली कि मतलब अपने हम लोग जितना भी हमसे हो सके चैरिटी करना चाहिए, चाहे वो भले 10 रुपये की हो या 20 रुपये की हो, ये बात बहुत अच्छी बात है। तो हमने भी बस अपने हिसाब से जो भी हमें, देखो कहते हैं ना कि अगर हम किसी को दें तो ना सीधे हाथ को पता होना चाहिए ना उल्टे हाथ, अगर सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को नहीं पता होना चाहिए, जब उल्टे हाथ से दो तो सीधे हाथ को नहीं पता होना चाहिए। तो मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बस मेरे ससुर भी यानी मेरे अब्बू जी भी मना करते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, बाकी तुम वीडियो बनाओ बट कभी भी ये चीज़ नहीं बोलना। तो मैं कभी भी नहीं दिखाती कि क्या है क्या नहीं है, बट इतना बता देती हूँ कि हाँ हाँ जो भी था हमने किया। और मम्मी ने जो है आपने देखा होगा कि चिकन बना रही है, मम्मी बोली आज चिकन बनाते, मैंने कहा चलिए ठीक है। तो गाइज़ मैं बता देती हूँ,
ये आज मम्मी के हाथ का स्पेशल चिकन है। तो मम्मी ने क्या किया, तेल गरम किया। तेल गरम करने के बाद इसमें खड़ा गरम मसाले डाल दिए, जैसे आपको पता चक्री फूल, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब डाल करके, और साथ ही साथ इसमें प्याज ऐड कर दिया। प्याज को अच्छे से भून रहे हैं। और अदरक लहसुन, जैसे हमने बताया था कि मिक्सी नहीं है, तो अदरक लहसुन को मम्मी ने ना कद्दूकस कर लिया था। तो आपने देखा होगा एक तरफ अदरक कद्दू कर रखा है कद्दूकस, और एक तरफ है क्या बोलते हैं लहसुन। तो मम्मी ने चिकन वगैरह धो करके मुझे दे दिया था। मम्मी बोली मैं बार बार उठ रही बैठ रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, तू मुझे फेंक के दे दे। मैंने कहा ओके। तो मम्मी थोड़ी बहुत करते करते जो कचड़ा किया था वो सफाई भी कर रही है। तो जैसे कि ये सारे प्याज व्याज जैसे भूनती रहेंगी, तो गाइस ये वाला ना झटपट वाली रेसिपी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि चाचा आएंगे, और फ़ोन किया कि बस हम लोग, मैं आ रहा हूँ फैक्ट्री से, अब निकल चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ। बेचारे मतलब जैसे भी मेहनत करते हैं, आज सोचो संडे वाले दिन भी मेहनत करते, तो हमने कहा चलिए आ जाइए, नहीं तो हमारा कोई इरादा नहीं था। हमारा इरादा था दाल चावल बनाने का, कि आराम से अफ्तारी के बाद दाल चावल मज़ा आता खाने में। तो पर चाचा बोले मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा ओके। तो मम्मी को मैंने बताया, मम्मी बोली, फिर मम्मी भागी भागी गई, फिर चिकन वगैरह लेकर के आई। तो मम्मी ने कहा ले मैं फटाफट जल्दी बनाऊंगी, तू बनाएगी तो टाइम वेस्ट करेगी। तो गाइस मैंने आपको ये दिखाई थी कि जैसे मैंने बताया था कि किचन की लाइट जो थी वो बिल्कुल बोर्ड वोर्ड सब उखड़ गया था अल्लाह जाने कैसे। तो अब जो है ये बोर्ड वगैरह भी मम्मी ने ठीक करवा दिया। इसमें 600 रुपये लगे गाइस, पता है, उसे बोर्ड ठीक करके गया और ट्यूबलाइट शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई ट्यूबलाइट के तार में, तो 600 रुपये लेके गया ना। मम्मी कह रही बताओ लूट मचा रखी इन लोगों ने। तो ये घर पे थे, इनने कहा कि अम्मी एक बार मुझे दिखा दे। तो मम्मी बोली बेटा कहीं खुदा ना खास्ता, हमें जो कहते हैं जिसको जितनी नॉलेज होती है उसको वही काम देना चाहिए। मम्मी खुदा ना खास्ता तुम्हें इतनी पता भी नहीं, कहीं करंट वरेंट लग जाता तो। फिर मैंने भी उनको बोल दिया कि नहीं नहीं आप परेशान मत हो, मम्मी ने करवा लिया। तो इस तरीके से चिकन वगैरह भुनेंगी और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगी। तो गाइस मैं कल की कोई बात बताती हूँ। कल सच में मैंने अल्लाह से इतनी मन्नतें मांग ली। क्या हुआ था कि मम्मी खा रही थी कल खाना, तो मेरी मम्मी को ना चावल सूप, अगर जैसे दाल बन जाए कुछ वैसा, तो चावल ना गले में लगते, हिचकी आती है उनको चावल खाने में। मेरी बड़ी बहन को आती है मिर्ची खाने में, तो ऐसे चावल ली, एक निवाला मुंह में डाली, मेरी मम्मी को ऐसे आई ऐसे की। उतने में मैं अरफान को फीड करवा रही थी, तो बुआ की लड़की बेड पे बैठी हुई थी। तो मम्मी ने जैसे ऐसे किया ना, मम्मी ने बिल्कुल आंखें ऊपर कर ली, कसम खुदा की आंखें ऊपर कर ली, और मेरा ध्यान बिल्कुल अरफान पे। तो बुआ की लड़की रोशन बोली बाजी देखना अब मामी कैसे कर रखी है। मैंने मम्मी की तरफ देखा, मम्मी ने आंखें एकदम ऊपर कर रखी है, मुंह बंद और हाथ में चावल का खाने का प्लेट लेके बैठी। अब मेरा तो बस, मम्मी क्या हुआ, मैं बड़ी परेशान, क्या हुआ। अब मम्मी ना कुछ बोल रही ना कुछ कह रही है, और बस मम्मी ने आंखें ऊपर कर रखी है। मैं बड़ी इस बात पे टेंशन हो रही कि ऐसा क्यों कर रही है। तो मैं मम्मी को बोली, मम्मी बस हाथ हिला रही है, हाथ हिलाने के बाद कुछ नहीं कह रही है। मैं बोली मम्मी कि मम्मी चलो डॉक्टर के पास चलो, और मम्मी कुछ नहीं कर रही, इशारा कर रही थी। उतने में बुआ जो थी, बुआ भी खड़ी हुई थी, बुआ भी भागी भागी गई, गिलास में पानी मारे कर लेकर के आई। फिर पानी वाले बुआ को, मम्मी को पिलाने लगी। मेरा तो रोना निकल रहा है कि अल्लाह जाने क्या हो गया। मम्मी एकदम आँख मुंह सब बंद करके बैठी हुई, और मेरा बुआ भागी भागी गई, गिलास लेकर के आई। रोशन डर गई, रोशन अरफान को ले रखी थी, उसको सुला रही थी। मैं बोली मम्मी चलो डॉक्टर के पास चलो, मम्मी कुछ नहीं बोली। लास्ट में करीबन 15-20 मिनट के बाद मम्मी का वो चावल शायद सीने से नीचे गया था, और नीचे जाने के बाद मम्मी ने मुझे बोला, गुड़िया आज तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ, आज कसम खुदा की, मैं कभी भी ऐसे कसम नहीं खाती, पर आज खा के कह रही हूँ, मुझे लग रहा था आज मेरी ऊपर की टिकट कट गई। अब मैंने अल्लाह से यही बोला, बस गले में जैसी फंदा अटका मैंने यही बात बोली कि अल्लाह ऐसे मत उठाना, हंसते खेलते परिवार को दिखा के उठाना। मेरा तो रोना, मैंने मम्मी को चुप कराया। मम्मी ने कहा मम्मी ऐसे बातें मत बोला करो, मेरा कलेजा ऐसा उड़ जाता है। और मैंने फिर मिस्टर खान को कॉल लगाया, आप ही को कॉल लगाया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बातें, मैं तो रोने लगी। फिर सबने मुझे बोला कि अरे कोई बात, अब मम्मी कैसी है। मैंने कहा अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान कि मम्मी बहुत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस गाइस बस आप लोगों की दुआ है कि मम्मी, अल्लाह का शुक्र। कल तो मम्मी ने खाना ही नहीं खाया डर के मारे। तो गाइस उसमें मसाले में ऐड किया था, हम लोग दही लिया था, दही उसमें डाला, दही में हल्दी, नमक और लाल मिर्च और साथ में धनिया पाउडर डाल करके अच्छे से उसको फेटा। फेटने के बाद, चिकन फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने का धीमी आँच में अच्छे से उसको अच्छे से फ्राई किया चिकन को, और मसाले को भी अच्छे से भूना। मसाला जैसे तेल छोड़ दिया, उसमें पानी ऐड करिए अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए। तो हमारे
घर में आज गेस्ट आ रहे तो जिसकी वजह से हमने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला। तो गाइज ये वाला जो वीडियो मम्मी कर रही है शूट खुद से, तो मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा बेचारी, पर कोशिश करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस चीज़ के लिए बता जरूर कि मुझसे ज़्यादा, मुझे तो लगा मुझसे अच्छा करी पहली बार में, बहुत अच्छा करी। और बिन डरे करी मम्मी, मम्मी बोली अरे मुझसे कैसे होने का, मम्मी अब तो मैं इरफान को ले रखी हूँ आप जाके करिए। तो मम्मी ने क्या किया, कोशिश किया, तो मुझे अच्छा लगा। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज मैं आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ।